जवान देश भर में 500 करोड़ के क्लब में एंट्री ले चुकी है। फिल्म ने अपनी रिलीज के 13वें दिन 14.4 करोड़ की कमाई की थी, वहीं अब 14वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है। शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। न सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्ड वाइड भी फिल्म धमाल मचा रही है। फिल्म ने दुनिया भर में अब तक 800 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है और अब 900 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बेहद करीब पहुंच गई है। फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 883.68 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म अपने रिलीज के 14वें दिन 12 करोड़ की कमाई कर सकती है। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 520.28 करोड़ हो जाएगा। जवान को रिलीज हुए 14 दिन हुए हैं और फिल्म तब से ही एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बना रही है। फिल्म एक बाप बेटे की कहानी है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को उजागर किया गया है। जवान में शाहरुख खान कई अलग अलग रूपों में देखने को मिले। फिल्म में उनके साथ नयनतारा है जिन्होंने एक कॉप का किरदार अदा किया है। वहीं प्रियमणि रिद्धि डोगरा, लहर खान और सानिया मल्होत्रा भी अहम किरदार अदा करते दिखाई दे रही। बता दें कि सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब मेकर्स जवान को OTT पर भी रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। फैंस के लिए खास बात यह है कि फिल्म OTT पर अनकट वर्जन के साथ रिलीज की जाएगी। हालांकि फिल्म किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है। फिल्म का क्रेज ऑडियंस के सर चढ़कर बोल रहा है और रिलीज के 2 हफ्ते बाद भी फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई है। इसी के साथ जवान हर दिन कमाई के रिकॉर्ड्स भी तोड़ रही है। वीकेंड पर शानदार कलेक्शन के बाद फिल्म वीकडेज में भी टिकट खिड़की पर जमकर कलेक्शन कर रही है और इसी के साथ दूसरे मंगलवार यानी गणेश चतुर्थी के मौके पर फिल्म ने एक और मील का पत्थर पाकर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। चलिए यहाँ जानते हैं जवान ने रिलीज के 13वें दिन कितने करोड़ का कारोबार किया है। शाहरुख खान की जवान पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी हुई है और छप्परफाड़ कमाई भी कर रही है। जहाँ इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन सबसे बड़ी ओपनर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, तो अपने पहले संडे पर सिंगल डे सबसे ज्यादा कलेक्शन कर इतिहास रच दिया था। हालांकि इस बीच जवान की कमाई में वीकडेज पर गिरावट भी आई, लेकिन फिल्म अब भी शानदार कलेक्शन कर रही है। वहीं अब फिल्म के रिलीज के 13वें दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं। शाहरुख खान की जवान फाइनली 13वें दिन 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इसी के साथ इस फिल्म ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल जवान सबसे तेज 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन चुकी है। इसने इस मामले में पठान और गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि पठान को 500 करोड़ का पड़ाव पार करने में 28 दिन लगे थे, वहीं सनी देओल की गदर 2 को ये उपलब्धि हासिल करने में 24 दिन लगे थे और प्रभास की बाहुबली 2 ने 34 दिनों में आंकड़ा पार किया था। ऐसे में जवान बॉलीवुड की सबसे तेज स्पीड से 500 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली फिल्म बन गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जवान अपनी ताबड़तोड़ कमाई से आने वाले कितने और रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।